हेलो गाइस, आपका स्वागत है दो तीन गेम प्ले की एक और वीडियो में। मैं ये वाला गेम प्ले फुल दिखा देता हूँ और फिर नेक्स्ट गेम प्ले ना जो कि मैं दिखा दूंगा आपको मोंटेज के तरफ से। दो गेम प्ले को मोंटेज बना देता हूँ और इस गेम प्ले को है ना फुल दिखा देता हूँ। तो चलो, इसमें मुझे एक कैम मिल चुकी थी और गाइस एक कैम मिलते ही मैं छत पे जाता हूँ क्योंकि बंदे थे भाई सामने। इस डिस्ट्रिक्ट उतरा था, इस बार बंदा मुझे दिख गया था, नीचे ही से आ रहा था। तो मैं है ना तुरंत सतर्क हो जाता हूँ, मतलब हो ही जाता हूँ सतर्क। और वो भाई सामने बंदे को क्या नॉक करते हैं, मतलब नॉक मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा ब्रो यार क्या क्या गेम प्ले में। आगे चलते चलते मैं साउंड करता हूँ ब्रो, मैं गेम प्ले को एक भी बार देखता नहीं हूँ गाइस, ये बात सही है। और ये यहाँ पर बहुत नहीं प्रो था, ब्रो प्रो बंदा था गाइस, आप सब लोग को पता हो कि ये प्रो बंदा था भाई। यहाँ पर इसको पास ना BSS मिल जाती है तो फिर मैं वो BSS उठाता हूँ भाई। बंदे है ना क्या ही कमाल के गेम प्ले है ना, जो आगे मैं मोंटेज में दिखाऊंगा वो भी बहुत ही मस्त गेम प्ले है। बट उसमें क्या होता है, मुझे कोई डिस्टर्ब कर देता है भाई। जैसे कि मैंने है ना गेम प्ले को इतना बढ़िया रिकॉर्ड किया, उसके बाद है ना कहीं पापा मिल गए तो पापा ने बोला कि यहाँ नीचे आते, तो भाई मैं नीचे चला गया तुरंत। मैंने डीजर टेबल से यहीं से इसको फिनिश कर दिया है बॉट का, जल्दी से ना इसको फिनिश करके भाई क्या ही देखना भाई, क्या ही रिकॉइल कंट्रोल कर रहा था ब्रो मैं। यहाँ पे मेरा टीममेट ने भी बंदे को नॉक कर दिया, वो कहीं और था, मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेला था। यहाँ पे मैं तुरंत है ना जल्दी से, यहाँ पे मुझे पड़ती है थोड़ी आगे पड़ती है भाई, देखते जाना मैं खेल कौन सा रहा था भाई। डुओ वर्सेस डुओ खेल रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे ना सोलो वर्सेस डुओ था क्योंकि ब्रो यहाँ पे मुझे DP मिलती है। तो मैं DP को पहले BSS को इस कारल में चेंज कर लेता हूँ ब्रो, क्योंकि भाई क्या ही कतई जो है। हमने यहाँ पे जल्दी से एक कैम को रिलोड किया, यहाँ पे बंदा मैंने उसको जल्दी से फिनिश किया और इसको पूरा वर्ल्ड लाइट कर लिया। मैं भी क्या भाई, जिसकी एमओ नहीं है वही चीज़ उसी से नॉक कर रहा हूँ, या नहीं कि मुक्को से नॉक कर दूँ ब्रो। मैं ना तुरंत गोलियों से ही नॉक कर दिया ब्रो उसको। चलो कुछ नहीं, फिर यहाँ पे आ गया ना 4x मिलता है भाई, क्या ही रिकॉइल कंट्रोल होता है स्कारल प्लस 4x भाई, स्कारल प्लस 4x क्या ही रिकॉइल कंट्रोल होता है। यहाँ सामने जाता हूँ, यहाँ सामने मुझे वो प्रो बंदा दिखता है। देखो भाई प्रो बंदा दिखता है, एक गेम से बारह है मैं लगा देता हूँ, फिर मैं स्कारल में देखना भाई फिर क्या ही 4x कंट्रोल ही रिकॉइल भाई। 50% हेडशॉट घल चुके थे उसमें, मतलब दो तीन। फिर यहाँ से भाग रहा था, यहाँ से मुझे बॉट भी मार रहा, तो मैंने सोचा इन बॉट को पहले ठिकाने पर लगा देते हैं भाई। इसमें बॉट मैंने ज़्यादा मार दिए इस वाले गेम प्ले, बट जो भी गेम प्ले जो भी बिगड़े हैं ना गेम प्ले जिसको मैं मोंटेज में दिखा रहा हूँ उसमें देखना भाई क्या ही प्रो बंदों को स्क्वाड मतलब डुओ में वाइप करते हैं भाई। यहाँ पर दोनों बॉट मार दिए मैंने। फिर हम आगे चलते हुए ब्रो, यहाँ पर मैं एक और बॉट मार दिया, बहुत ही बॉट मार दी क्योंकि बहुत ही बॉट थी है ना, क्या है किल लूटे यार यहाँ से मेरे। मैंने वो किल दिखा नहीं रहा हूँ किस किस ने लूटे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहती क्योंकि तीन गेम प्ले हैं मोंटेज में बताऊँगा तो भाई, इसलिए भाई मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, वरना भाई कितनी बड़ी भाई कितनी बड़ी हो जाएगी वीडियो भाई। किल भाई देख रहे हो 33 थे भाई, यहाँ ड्रॉप गिरा था, उस ड्रॉप पे भी मैंने दो बंदे नॉक किए, पहले एक कर दिया था उसको भाई दूसरे ने उड़ा लिया। फिर भाई फिर एक को मैं मार नहीं पाया, फिर दूसरी स्क्वाड का बंद मतलब दूसरी डुओ का बंदा आया तो मैंने भाई देखना यहाँ पे तो दोनों लोग मारने लगते ना फिर, नहीं तो ये भी नॉक हो जाता। यहाँ भाई डैमेज कितना सारा दे रहा था बंदो, बट कुछ नहीं भाई। उससे पहले यार सब लोग यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज़ भाई लोग, यार सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा यार इतने मस्त गेम प्ले देखने के बाद। फिर भी फिर मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ ब्रो, यहाँ पे भी मैं सारा डैमेज दे देता हूँ भाई, तीन हेडशॉट लग चुके थे मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं तुरंत कूदता हूँ यहाँ से इस तरफ से और तुरंत बहुत परेशान कर रहे थे इन बॉट को यार, चटका ही देता हूँ भाई क्या ही रिकॉइल देखना भाई। इसको फिनिश किया यहाँ पे गाइस, क्या ही भाई क्या ही देखना भाई क्या ही। अब आगे में जो वीडियो होंगे उनको मोंटेज में, दो गेम प्ले को मोंटेज में बना दूंगा, कम से कम 20 मिनट की वीडियो होगी, फुल देखना पड़ेगी गाइस 20 मिनट की नहीं जितने भी मिनट की बने बाद में। मैं पहले एक गेम प्ले की वो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, फिर दूसरा मोंटेज में बना के
उसकी वॉइस ओवर कर दूंगा भाई। मॉन्टेज की मैं वॉइस ओवर करूंगा, सॉन्ग नहीं डालूंगा। ओके चल मॉन्टेज में। ओ नन्ना गाइस, आप सोच रहे होगे कि मैंने बोला मॉन्टेज, पर चलो मैंने सोचा कि एक और क्या ही मॉन्टेज बनाऊं, ये वाला भी गेम प्ले दिखा दूं। इस बार मैं उतरा झूले के पास, जो कैनियन के पास, ओल्ड वैशन के पास जो झूला है ना उसके पास उतरा। मुझे यहाँ पे यूजी एस्टाइल की मिल जाती है, फिर आगे चल के है ना मुझे स्कारा लो एस्टाइल की मिल जाती है वहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे है ना 4x क्या ही रिकॉइल, मतलब भाई ये स्कारल में भी 4x क्या ही चलता है, डीपी 6x का भी कोई भाई जब तो हेडशॉट ही पड़ते हैं ज़्यादातर। फिर इस बॉट को मैंने मारा, स्टेबल करना पड़ा इसको। फिर यहाँ मार के ना तुरंत गाड़ी पकड़ के हम चलते हैं भाई ओल्ड वैसिन, क्योंकि यहाँ पे तबाही जो हमें मचानी थी। क्या हम ओल्ड वैसिन अगर डायरेक्ट उतरते तो हमें गन नहीं मिलती और फिर हम मारे जाते जैसा कि हम इस टीम पर करते हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ी अलग सोच करी फिर ब्रो। फिर यहाँ पे जैसे ही मुझे गाड़ी आई, आपको पांच निशान भी आ रहे होंगे, मैंने सोचा वहाँ पे एक बंदा था उसके आ रहे होंगे, बट इस घर में ऑलरेडी एक बंदा था जो कि हम चटका देते हैं गाइस आराम से। कोई एफर्ट नहीं लगता इसको मारने में, कोई भी एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ये बंदा था ही नहीं ब्रो, नीचे से आ रहा था इसको मारने में, जो कि मतलब एफर्ट और किसी बड़े यूट्यूबर के हिसाब से कोई एफर्ट नहीं है। इसमें मैंने वॉइस चेंजर कर दिया पूरे रिकॉर्डिंग में गाइस, आप सब लोग को वॉइस चेंजर मिल जाएगा, वॉइस चेंजर मिल जाएगा गाइस आपको। और फिर है ना हमने यहाँ से भाई इस बंदे को इतना डैमेज देने की सोचा जो कि उस घर पे है, जो कि आपको दिख गया होगा। मैंने पहले गन रिलोड की, यहाँ दो तीन हेडशॉट पड़ चुके थे, इसलिए उसने पहले है ना अच्छे से हेल्थ भर ली। फिर हेल्थ भर के फिर है ना इसने फिर से सिर दिखाया, डैमेज देने की सोची, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। फिर भी इसने डैमेज देने की सोची गाइस, देखना गाइस अभी, फिर नीचे ही भाग गया। फिर मैंने सोचा यहाँ नहीं, यहाँ पे बैठा है आराम से मार दिया। मुझे लगा भाई प्रोवंदा को यहाँ ना जाए यार, वरना मेरी धच्चियाँ उड़ जाएंगी और गेम प्ले पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर से भाई ये लोग सब लोग है ना मेरे पीछे पड़े हुए थे, मतलब पीछे नहीं पड़े हुए थे, मैंने फिर भी इसको देखा थोड़ा बहुत, यहाँ से कूद गया। मैंने सोचा यहाँ करना क्या है भाई, फिर यहाँ पर देख रहे हो भाई कितना सॉलिड डैमेज देता है यही बंदा। इस बंदे को है ना देखते रहो भाई कैसे भैया हम मरते हैं या फिर ये मारता है भाई। भाई गेम प्ले तो देखो भाई, मैं सब दिखाता हूँ आपको, चाहे मरूँ या फिर जी हूँ, बट गेम प्ले मैं आपको पूरे दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि जिसमें 10 के लोग है भाई दिखाऊँगा, भाई सारे गेम प्ले आपको डाल देता हूँ आप मांगो तो। यहाँ से मुझे बंदा आप थोड़ी झलक दिखा दी बंदे ने, मेरे पास भाई हेल्थ भी नहीं थी, बिल्कुल भी हेल्थ नहीं थी भाई। भाग मत जाना सब लोग इस टीम, मतलब गेम प्ले को देखे बिना ही कि मर जाएगा साला भाई। इतने हम भी प्रो हैं, प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब गाइस तो यहाँ पे हम मर जाते। बट हमने फिर यहाँ से जल्दी से गाड़ी ले, ऊपर की सारी पेटी लूटी, फिर यहाँ से जल्दी चलते हैं। वो ओल्ड वैशन का वो रहता ना, ओल्ड वैशन या सेंट्रल रोड के वो घर रहता ना सेंट्रल रोड, चलो आप आगे ही देख लो गाइस। मैं क्या क्यों बताऊँ यार आपको, आगे चल के देख लो। गन साउंड आ रहे थे ये वाला, यहाँ पे एक मैंने बीच में बॉट मार दिया गाइस, सॉरी मतलब सॉरी नहीं मानना बनता है। यहाँ पे दो बंदे सोच रहे होंगे एक ही पार्टी के होंगे, आप सोच रहे हो ब्रो एक की पार्टी के नहीं, थर्ड पार्टी कर दी थी उसने ब्रो। भाई ये हेल्थ लगा रहा था इसलिए इसको ना आसानी से मार देते। एक और बंदा ब्रो यहाँ पे एमो चलाई इसको, डरा क्या बोल रहा हूँ यार, डरा दिया मेरे पास है। उसने स्टन फेंकना चालू किया वो जब तक ये नॉक हो गया था, फिर मच्छी तरह से नहीं निकलती। ये भाई इसका एक और साथी था जो कि हमें मिला नहीं, बट क्या ही बोला यार। यहाँ पे गाइस देखना गाइस, क्या ही देखना गाइस, फिर हम तुरंत ही गाड़ी लेके निकलेंगे और हम गाइस यहाँ आगे क्या ही भसड़ मचने वाली, क्या ही भसड़ कि उसमें गाइस हम जीत पाते हैं या फिर हार जाते हैं। ब्रो जीत पाते हैं कि 4x रिकॉइल तो मैं कर लेता था बहुत ब्रो, 4x रिकॉइल कर लूँगा, लेकिन ब्रो आप सोच रहे हो कि यहाँ भी है भाई, ब्रो तो